जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार साइड की एक और नई वीडियो में। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होने चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिमनी के प्राइस को लेकर, उस वीडियो पे आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और सपोर्ट करा उस वीडियो पे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे आपने, अपनी राय भी दी उस वीडियो में। तो भाई दिल्ली के अंदर स्पॉट हो चुकी है पहली जिमनी जो कि शोरूम के अंदर जा रही थी, और भाई उसकी रोड प्रेजेंस भी इस चीज से लीक हो चुकी है कि कैसी लगने वाली है रोड पे चलती हुई गाड़ी और गाड़ियों के साथ में। सो फाइनली इसकी रोड प्रेजेंस भी एक तरीके से लीक हो चुकी है कि मतलब रोड पर कैसी लगने वाली है गाड़ी चलते हुए, और लोगों का क्या रिएक्शन निकल के आया है ये सब इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो भाई ये रही आप सबकी चहेती जिमनी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और भाई पीछे से तो देखो गाड़ी काफी ज्यादा क्लियर लग रही है। जो इसका स्पेयर व्हील दे रखा है ना पीछे, उसके जो पीछे कैप है ये ग्लॉसी सी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लग रही है, मतलब प्रीमियम सा लुक दे रही है पीछे से गाड़ी को। और ये स्पेशली अनलोड हो रही है गाड़ी शोरूम के लिए, डिस्प्ले में गाड़ी लगेगी ये मोती नगर में। अगर आप सभी को देखनी है तो आप जाकर देख सकते हो। खैर साइड प्रोफाइल से तो गाड़ी ठीक ठाक लंबी सी लग रही है, मतलब ठीक है यार, ज़्यादा लंबी भी नहीं है गाड़ी जैसे सोच रहे थे हम कि लंबी आएगी गाड़ी, नॉर्मल है गाड़ी। लेकिन यार मुझे थार से बहुत ज़्यादा नीची लग रही है गाड़ी, इसका जो व्हील बेस है काफ़ी ज़्यादा नीचे है थार से, तो नो डाउट कि थार के कंपैरिजन में तो ये गाड़ी नहीं रहने वाली बिल्कुल। अब टोटली डिपेंड करता है इसके प्राइस के ऊपर कि किस प्राइस रेंज में ये गाड़ी लॉन्च होगी, कि तहलका मचाएगी नहीं मचाएगी गाड़ी, ये सब इसके प्राइस पे डिपेंड करता है गाड़ी को। लेकिन नो डाउट ये आई कैची काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी, लोग इसे रुक रुक के देख रहे थे। एक तो इसका नियॉन ग्रीन कलर है, इस वजह से ज़्यादा लोग इसे घूर घूर के देख रहे हैं गाड़ी को कि भाई क्या ही चीज़ आ गई है मार्केट में। खैर आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी रोड प्रेजेंस का, जो साइड में गाड़ियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से कि कैसी कुछ लगने वाली है रोड पे चलती हुई ये गाड़ी। मुझे तो ये काफ़ी नॉर्मल सी लग रही है, कोई ना कोई ज़्यादा बढ़िया लग रही है ना ज़्यादा घटिया, मतलब नॉर्मल सी ये गाड़ी लग रही है। तो आप सब भी मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लग रही है ये गाड़ी, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सभी के लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो ये अब पार्क होने जा रही है शोरूम के अंदर। सो भाई कैसी लगी आपको जिमनी की रोड प्रेजेंस? मुझे तो यार देखो ठीक ठाक लगी, लेकिन थार का मुकाबला नहीं कर पाएगी ये गाड़ी जहां तक मुझे लग रहा है। और जिस प्राइस पॉइंट में ये लॉन्च करी जाएगी ना गाड़ी, तो बहुत ही कम लोग इसे खरीदने वाले हैं। खैर भाई मारुति कुछ भी बनाए लोग खरीदते ही हैं उसे, चाहे कूड़ा क्यों ना बनाए, जैसे कि एस्प्रेसो के टाइम पे हुआ था और इग्निस के टाइम पे हुआ था। खैर इग्निस तो भी थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन एस्प्रेसो तो यार बिल्कुल ही कूड़ा गाड़ी है, अब क्या ही करें यार उसका मतलब। अब खैर मारुति के लोग हैं ही इतने दीवाने, अब पता चलेगी जब ये गाड़ी लॉन्च होगी किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होती है। सो भाई अगर ये गाड़ी 14 से 15 लाख की प्राइस रेंज में लॉन्च होती है, तो मुझे लगता है लोग ज्यादातर थार 2x2 की तरफ जाएंगे, क्योंकि भाई उस गाड़ी की रोड प्रेजेंस का मुकाबला ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये थोड़ी टॉय कार की तरह दिखती है रोड पे, और भाई ये गाड़ी एकदम माफिया टाइप दिखती है थार। सो ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, अभी नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करेंगे इन दोनों गाड़ियों को भी। और अगर आप चाहते हो मैं थार और जिमनी के बीच में कंपैरिजन लेके आऊँ, तो इस वीडियो पे आप सभी को 50 लाइक कंप्लीट करने हैं और कमेंट कर देने हैं 10। सो अगली वीडियो होगी फिर थार और जिमनी के ऊपर ही। सो बस यही थी आज की वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में मजा आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में मजा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।